नरेंद्र नगर शहर को जो है 1919 में यानी 1919 में यहाँ के महाराजा जो गढ़वाल के महाराजा थे नरेंद्र शाह, उन्होंने बसाया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर, जो कि एक बहुत ही पुराना हिस्टोरिक और बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ पे हमारा कुछ ऑफिशियल काम है, उसे हम क्लियर करने के बाद वापस आएंगे शाम को। और रास्ते की जो जर्नी होने वाली है एकदम ब्यूटीफुल और ख़तरनाक इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भैया अभी हमें क्रॉसिंग पर और यहाँ से हमें हाईवे पे बस मिल जाएगी शायद नरेंद्र नगर तक डायरेक्ट, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सुबह का टाइम है, काफ़ी लोग देख सकते हैं आप, स्टूडेंट और जो काम करते हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं और सभी देख रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों अभी हमें बस में विश्वनाथ सेवा में और क्रॉसिंग से हमें ये बस मिली है, इससे हम चलेंगे नरेंद्र नगर को। और अभी हमें देहरादून से ऋषिकेश के बीच जो हाईवे पड़ता है उस पर अभी हमें बस थोड़ा एकदम सही है, लेकिन बस सरकारी है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और ये बस लेने का मेन मुद्दा ये था कि डायरेक्ट मतलब हमें कहीं बीच में चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं तक जाएगी ये बस। और नज़ारा देखो बस का, यात्रियों से भरी पड़ी हुई बस वाली। और आगे बाहर का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, कैसा सुहावना मौसम है और सीनरी जबरदस्त है। गाइस सामने है ऋषिकेश और ऊपर आप जैसे देखेंगे नरेंद्र नगर या हिमालय, इसकी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं यहाँ से, फुटहिल्स जो कि छोटे छोटे पहाड़ हैं। मेन हिमालय तो ऊपर है काफ़ी हाइट्स में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से लगा सकते हैं आप। दोस्तों ये नटराज चौक ऋषिकेश का और यहाँ से थोड़ा ब्रेक लेने के बाद, 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम चलेंगे नरेंद्र नगर ऊपर की तरफ जो है, और नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ सा। भैया ऋषिकेश हम निकल चुके हैं ऊपर नरेंद्र नगर की तरफ पहाड़ों में, और खूबसूरती आपको दिख रही होगी, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे खूबसूरती और बढ़ती जाएगी, तो आप मजे लीजिए इन नज़ारों के। और यहाँ पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सीट आई फील, सो एडजस्ट करना पड़ता है भाई, और नज़ारे तो भाई मिलियन डॉलर व्यू है। तो भैया अभी हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर और यहाँ पे अपना ऑफिशियल काम ख़त्म करके फिर आपको शहर की सैर कराएंगे, और थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको फिर से। और बहुत खूबसूरत हिस्टोरिक और पुराना शहर है भैया, ये है नरेंद्र नगर का आइकॉनिक बाज़ार जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी पुराना है, आई गेस कि राजा के टाइम का है, तो इसी को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आगे आपको। नरेंद्र नगर शहर को जो है 1919 में यानी 1919 में यहाँ के महाराजा जो गढ़वाल के महाराजा थे नरेंद्र शाह, उन्होंने बसाया था। उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी गढ़वाल से, जो कि टिहरी एक शहर है काफ़ी फेमस है, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट की थी, तो तभी से ये शहर जो है बसा है, एग्जिस्ट हुआ है तभी से। और नरेंद्र नगर की अगर हम बात करें, नियरेस्ट सिटी जो है ऋषिकेश है, ऋषिकेश से यहाँ की दूरी जो है लगभग 16 किलोमीटर है हियर एंड देयर। और अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो समुद्र तल से लगभग इसकी ऊंचाई जो है 1332 मीटर है। अब बात करते हैं कुछ कनेक्टिविटी की, तो जो मेन हाईवे है NH-34 हाईवे इसी शहर से होकर गुजरता है, और आनंदा होटल भी जो है इसी शहर में स्थित है, जो कि पुराने टाइम पे यहाँ के महाराजा ने बनवाया था, आज वह जो है होटल में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ की स्पा वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें हम, तो एज़ कम्पेयर टू ऋषिकेश और देहरादून, वहाँ से जो है काफ़ी कम टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली गर्मियों में। गर्मी के मौसम में तो ये राहत देने वाली बात है भाई, 1-2 टेम्परेचर डिग्री अगर कम भी होता है तो काफ़ी ठंडा महसूस होता है। और यहाँ की लोकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको जो है ऋषिकेश का एरियल व्यू एकदम साफ नज़र आ जाएगा, अगर मौसम साफ है तो, गड़बड़ नहीं है तो। गंगा नदी भी जो है आपको पहाड़ों से और जो प्लेन्स में उतरने का जो सीन है ना, वो यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा आपको। और नेचर के बीच में शहर बसा हुआ है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी खूबसूरत और लाजवाब शहर है।
अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर विज़िट करिएगा और इस हिस्टोरिक शहर और मार्केट को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नरेंद्र नगर शहर से हम नीचे आ चुके हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का, जो भी ट्रांसपोर्ट मिलेगी हमें ऋषिकेश या देहरादून के लिए। और शहर आई होप कि आपको पसंद आया होगा, काफ़ी पुराना आइकॉनिक शहर था जो कि यहाँ की कल्चर और कस्टम को दर्शाता है, जो कि काफ़ी पुराने टाइम पे राजा के द्वारा बसाया गया था। और नज़ारा भाई यहाँ से एकदम अमेजिंग है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ऋषिकेश जब मैदानों का जो सफ़र शुरू होता है ना, वो यहीं से दिख जाता है आपको, और व्यू एकदम आइकॉनिक है यहाँ से। ये देखो, कैमरे से दिखेगा नहीं लेकिन भाई जो मेरे को दिख रहा है ना, वो तो एकदम ही अमेजिंग है। सो गाइस, ये ऋषिकेश बस अड्डा, यहाँ पर हम अभी पहुँचे थे आधा घंटा पहले। जो ऋषिकेश की सवारी थी वो निकल गई थी और देहरादून की भरने के बाद हम चल रहे हैं अभी देहरादून की ओर। ये दो बस अड्डे हैं यहाँ पर ऋषिकेश बस के। ये उत्तराखंड परिवहन का बस अड्डा, यहाँ पे आपको ज़्यादातर शहरों के लिए बस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं देहरादून और जर्नी वाज वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन वहाँ पे हमें देखने को मिला, काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता थी। और वहाँ से हम जो है विश्वनाथ सेवा रोडवेज में आए ऋषिकेश होते हुए देहरादून, और सफ़र काफ़ी लंबा था, काफ़ी टायरिंग है। सो आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे फिर आपको नई वीडियो में।